हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2। ये हिस्ट्री का पार्ट है और इसमें जो हम पहला टॉपिक है हमारा, पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई थी यूरोप में, क्या हो रहा था उस समय और क्यों जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है ये द यर्निंग, ठीक है ना, द यर्निंग ऑफ द यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। जो यूरोप के एम्पायर थे, यूरोप में जो मोनार्कियल रूल था, उसको एक्सपेंड करना एंड अक्वायर न्यू टेरिटरी, न्यू टेरिटरी टेरिटरीज रिजल्टेड, किस चीज़ में रिजल्ट हुआ, रिजल्टेड इन अ कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन, बिटवीन यूरोपियन नेशन टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज। ओके, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री थे, मोनार्कियल सिस्टम था, उनके बीच उनकी जो एक भूख थी अपने रीजन को, अपने कंट्री को एक्सपेंड करने की और एक नए नए टेरिटरी को एक्वायर करने की, जिससे कि एक जो है न्यू कॉलोनीज, एक न्यू सिस्टम डेवलप हुआ कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने का, अपने अपने कॉलोनीज वो लोग जो है एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। और इनके बीच का जो ग्रीड था, ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन, ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन, यानी कि यूरोपियन नेशन के बीच जो कॉलोनाइजेशन का ग्रीड था, वो एक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रूइन को डेवलप किया। ठीक है ना, ये क्या किया, कॉस्ट कल्चरल इकोनॉमिक सोशल रूइन, ठीक है ना, रूइन ऑफ एशिया, एशियन अफ्रीकन नेशन, क्योंकि इन्हीं सभी नेशन को ज़्यादा जो है इन लोगों ने अपना कॉलोनीज बनाया। रिजल्ट इसका ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ दिस वाज सच दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो ग्रीड है, इनकी जो भूख थी अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने की, अपने रीजन को एक्सपेंड करने की एंड न्यू कॉलोनीज बनाने की जो भूख थी, इनकी तड़प थी, यह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। ओके, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो रशियन रिवॉल्यूशन को बोल्शेविक, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जहाँ रशियन रिवॉल्यूशन है, बोल्शेविक दोनों एक ही हैं। और ये जो ग्रीड था, ये इनके नेबरिंग कंट्री को भी नहीं छोड़ा। ठीक है ना, जो ये इनका ग्रीड था कॉलोनाइजेशन का, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो ग्रीड ऑफ कॉलोनाइजेशन है, ग्रीड ऑफ कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर देयर नेबरिंग कंट्री, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज। ओके, कैसे, जैसे कि स्पेन जो है नीदरलैंड को कंट्रोल कर लिया, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग को, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्पेन, ठीक है ना, स्पेन किसको कंट्रोल किया,
नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, इनको भी मतलब एक्वायर कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर करना, ठीक है ना, एक्वायर कर लिया कौन, स्पेन। पुर्तगीज किंग जो है, जब पुर्तगीज किंग विदाउट एनी हेयर डाई मर गया, ठीक है, वेन पुर्तगीज किंग डाइड विदाउट हेयर, मतलब अपने वंश के, ठीक है ना, तो पुर्तगाल को, पुर्तगाल केम अंडर अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूल अंडर स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलीजन, ठीक है, क्यों स्पेनिश ने कंट्रोल कर लिया उसको, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, यानी कि पुर्तगाल किंग और जो स्पेनिश किंग थे ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन में थे, और जब पुर्तगाल का जो किंग है वो डेथ कर गया, उसका कोई वारिस नहीं था, उसका कोई जो है डिसेंट नहीं था जो कि उसके बाद रूल कर सके, तो स्पेनिश किंग जो है पुर्तगाल को अपने अंडर में कर लिया। इटली और जर्मनी भी उसी तरह फ्रांस और ऑस्ट्रिया के विक्टिम हो गए ग्रीड के, ठीक है, तो इटली एंड जर्मनी, जर्मनी बिकेम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ द फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, यानी कि इटली पे फ्रांस और जर्मनी पे ऑस्ट्रिया ने जो है कैप्चर कर लिया, एक्वायर कर लिया उसको। तो ये था यूरोप की कहानी, ठीक है ना। अब हम लोग मेनली इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है कोलोनियलिज्म इन एशिया अफ्रीका, उसके बाद जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे स्टार्ट हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या फैक्टर थे, ये सभी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं, पहला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कोलोनियलिज्म इन एशिया, ठीक है, किस तरह से एशियन कंट्री को कोलोनाइजेशन किया गया। इंग्लैंड जो है श्रीलंका, बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया में अपना रोल एक्सपेंशन किया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिया, इंडिया इंग्लैंड एक्सपेंडेड इट्स एम्पायर टू श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, आज का जो म्यांमार है, उसके बाद सिंगापुर एंड मलेशिया, इन सभी जगहों पे इंग्लैंड ने अपना रूल जो है एस्टेब्लिश कर लिया। ओपियम ट्रेड होता था, ठीक है ना, ड्यू टू ओपियम ट्रेड किसके बीच, बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, इंग्लैंड एंड चाइना, इसके बीच जो है ओपियम वार भी हुआ था, ठीक है ना, देयर वाज अ ओपियम वार, ठीक है, देयर वाज अ ओपियम वार हुआ, ठीक है ना, इंग्लैंड और चाइना के बीच ओपियम वार हुआ, और ओपियम वार में जो ओपियम वार है इसमें चाइना हार गया, चाइना लॉस्ट, चाइना जो है अपना हार गया, और उसने अपने इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, लॉस्ट इट्स पोर्ट्स टू इंग्लैंड, क्यों, क्योंकि ओपियम वार में चाइना इंग्लैंड से हार गया, जब चाइना हार गया तो इंग्लैंड ने बदले में उसके जो है चाइना से बहुत सारे पोर्ट्स को मांग लिया, ठीक है, और इसका एडवांटेज चाइना को मिला, ठीक है ना, नहीं चाइना को नहीं मिला,
ठीक है ना, चाइना वीकनेस के एडवांटेज को फायदा उठाते हुए जो जापान है, रसिया है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका जो है अपना ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है एक्वायर कर लिए इन चाइना। ठीक है, तो यू आर यू की टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइना वीकनेस, जापान, रसिया, जर्मनी, ओके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, बेल्जियम, अमेरिका, अमेरिका सॉरी अमेरिका आल्सो अक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, एशियन कंट्री में इन्होंने अपना एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि चाइना तो वीक हो गया था। उसी तरह से इंग्लैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, अमेरिका एस्टेब्लिश्ड ऑयल फैक्ट्री, ऑयल कंपनीज इन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, बहरीन ड्यू टू ऑयल रिसोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी जो है इन्होंने अपना पूरे एशिया पे इस तरह से कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, कोलोनाइजेशन, कोलोनियलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में कैसे ये लोग क्या क्या किए जिसके वजह से वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। सबसे पहले जो है कॉलोनी अपना स्टेब्लिश किया अफ्रीका में, एस्टेब्लिश किया किसी ने, तो वह है डच। ठीक है ना, तो डच सबसे पहली बार जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश किए। ठीक है, द डच एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फर्स्ट इन अफ्रीका। ठीक है ना, अफ्रीका में सबसे पहले इन्हीं लोगों ने अपना किया इन द इंड ऑफ, ठीक है, इन द नहीं, एट द इंड ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक है, इंड में इन्होंने अफ्रीका में अपना पहला कॉलोनी, यानी फर्स्ट टाइम इन लोगों ने, डच ने ही एस्टेब्लिश किया था अफ्रीका में कॉलोनी। उसके बाद बहुत सारे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन सब लोग आना शुरू कर दिए। इंग्लैंड और फ्रांस जो है अपनी कॉलोनी केप और अल्जीरिया, ठीक है ना, एस्टेब्लिश किए। यानी कि अफ्रीका में इंग्लैंड, इंग्लैंड ने कहाँ एस्टेब्लिश किया था, इंग्लैंड एस्टेब्लिश किया था केप टाउन में, जो केप है। उसके बाद फ्रांस जो है, फ्रांस अल्जीरिया में, अल्जीरिया में एस्टेब्लिश किया अपनी कॉलोनी। ठीक है, और ये सभी नॉर्थ, ठीक है, ठीक है, अल्जीरिया नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो अल्जीरिया में इंग्लैंड ने केप में और फ्रांस ने अल्जीरिया में एस्टेब्लिश किया। जो किंग लेपर्ड थे बेल्जियम के, ठीक है ना, किंग लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड ऑफ बेल्जियम, ठीक है, इन्होंने भी अफ्रीका में किया। वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो, ठीक है, एंड इंग्लैंड जो है अगेन इन्होंने किसको एक्वायर किया अफ्रीका में, ठीक है, कॉन्गो, वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गोस को, ठीक है ना, कॉन्गो में एस्टेब्लिश किया। सो इंग्लैंड है उसने इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अपना किया।
इंग्लैंड कहाँ पे एस्टेब्लिश किया, अटैक किया, ठीक है, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में, ये सभी जगहों पे इंग्लैंड ने कैप्चर कर लिया अफ्रीका के, ठीक है। इटली, फ्रांस अपनी जो कॉलोनीज है, जो फ्रांस की कॉलोनीज हैं, फ्रांस एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन ट्यूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में फ्रांस अपना एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद इटली, जर्मनी, स्पेन ये सभी अपना एस्टेब्लिश कर लिए, ठीक है ना। तो इटली, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल आल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज कहाँ, इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये सभी लोग जब अफ्रीका में ये सब लोगों ने अपना एस्टेब्लिश कर लिया, तो इनके बीच जैसे पहले ही हमने देखा क्या इंट्रोडक्शन में ही, कि ड्यू टू यर्निंग, इनकी जो भूख थी अपने कॉलोनी को बढ़ाने की, तो ये सभी लोग जो है आपस में अफ्रीका में लड़ना शुरू कर दिए, यानी एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, और अपने जो इनकी कॉलोनीज थी उन्होंने एक दूसरे की कॉलोनीज को हड़पना शुरू कर दिया, एक्वायर करना शुरू कर दिया। इसके वजह से एक कियोस क्रिएट हो गया यूरोपियन नेशन में। इस कियोस को, इस इनके अंदर जो लड़ाई थी आपस में, ये जो लड़ना शुरू कर दिए, इसको बचाने के लिए इन लोगों ने 1884 में एक कॉन्फ्रेंस किया बर्लिन में, जिसको कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। तो हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस इसको देख लेते हैं, यह क्या है बर्लिन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूरोपियन नेशन का, ठीक है ना, ठीक है। इट वाज अ कॉन्फ्रेंस फॉर यूरोपियन नेशन, नेशन हेल्ड इन बर्लिन, ठीक है, कब, 1885 में, इन द मिडस्ट ऑफ कंपटीशन, इनके बीच जो कंपटीशन चल रहा था टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, ठीक है ना, इन सभी के बीच जो है बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस में मेनली डिसाइड हुआ कि कौन कौन सी टेरिटरी है, कौन कौन सा कंट्री रूल करेगा, यानी कि ये लोग पूरे अफ्रीकन टेरिटरी को आपस में डिवाइड कर लिए। ओके, तो डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरी टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमोंग यूरोपियन नेशन, ठीक है ना, यूरोपियन नेशंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का यही एंड हुआ कि ये लोग जो है अपने जितने भी यूरोपियन नेशन थे उनको आपस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये बर्लिन कॉन्फ्रेंस था। ओके, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े हम लोग, ठीक है, इसका, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवोल्यूशन का किस तरह से हुआ, फिर कैसे कैसे कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन का रिजल्ट क्या हुआ, फिर हम लोग कॉलोनियलिज्म इन एशिया, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका एंड देन बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा फैक्टर दैट कॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द फैक्टर्स
दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो इसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा ये चीज़।